एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ढोकला बनाना सिखाऊंगी, जिसे मैंने बेसन से नहीं बल्कि रवा यानी सूजी से तैयार किया है। रेसिपी चाहे जो भी हो, अगर वो इंस्टेंट तैयार हो जाती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, और बिल्कुल घर की चीज़ों से तैयार हो जाए तो फिर क्या बात है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ गाते और गुनगुनाते हुए, और जानते हैं गुजरात की इस बिल्कुल फेमस सी रेसिपी का राज। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल ले तू यू जान मेरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ फुल एंजॉय कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना इस प्यारी सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी ले लिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी ले लिया है, और ले लिया है दही। दही मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ले लिया है, और यहाँ पे ले लिया है मैंने धनिया का पत्ता जिसे हम गार्निश करेंगे, और मैंने यहाँ पे ले लिया है नींबू का टुकड़ा, और ले लिया है हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है जिसे बीच से चीरा लगा दिया है, करी पत्ता ले लिया है, और ले लिया है अदरक जिसे ग्रेट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में डाल दिया है सूजी। सूजी में हम दही डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल जमी हुई दही भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसमें सूजी में दही को मिक्स कर दिया है। तो चलिए आप इसमें अदरक को डाल देते हैं। अदरक को आपको बिल्कुल बारीक ग्रेट करना है। तो अदरक को डालने के बाद में हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गाइस, आप चाहें तो अदरक को स्किप भी कर सकते हैं, बट अदरक डालने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक की क्वांटिटी मैंने नहीं बताया है यहाँ पे, आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। तो चलिए इसमें पानी को मिक्स कर लेते हैं और इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे हमें इसमें पानी मिलाते जाना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूजी जो है वो फूलती है, और फूलने के बाद में वो बिल्कुल दुगनी हो जाती है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। जी हाँ, रिफाइंड ऑयल आपको बिल्कुल डालना ज़रूरी है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे 20 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं। ये देखिए 20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना बिल्कुल ही ज़रूरी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बिल्कुल 20 मिनट के बाद में डालना है, जब सूजी जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद में इसे फटाफट से हम टीन में डालेंगे। केक का टीन अगर आपके पास में हो तो उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर कोई और बर्तन है तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमें रिफाइंड ऑयल को इस तरीके से ग्रीस कर देना है, मिक्स कर देना है हर साइड में। तो मैंने जो ऑयल है वो स्प्रेड कर दिया है हर साइड में। गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसे चिकना कर लें, और उसके बाद इसके किनारों में भी हम हाथों से इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे, ताकि किनारे के तलों में भी जो ढोकला है वो बिल्कुल भी ना चिपके। तो मैंने इसमें ऑयल को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें इस तरीके से डाल दूंगी अपने बैटर को। आप तो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं गाइस, इससे ज़्यादा पतला ना करें। तो आफ्टर 20 मिनट के बाद, जब मैंने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतला इसे ना करें। तो इसे मैंने इसमें डाल दिया है। चलिए इसे सेट कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे गैस पर रख दिया एक बड़े मुँह का बर्तन, और उसमें स्टैंड रख दिया है इस तरीके से। तो हमें इसे बीच में सेंटर में स्टैंड के ऊपर इसे रख देना है। तो इसे हमें पानी में स्टीम करना है बिल्कुल 20 मिनट के लिए। तो मैं इसे ढक दूँगी। तो 20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, ये देखिए ये कुक हो चुका है। अभी हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट होने के बाद में हमें इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसे ढक कर चेक कर लिया था, और इसे फिर से ठंडा कर लिया। ये देखिए अच्छे तरीके से ये ठंडा हो चुका है, सेट भी हो चुका है। तो मैंने इसे निकाल लिया है टिन से। ये देखिए ये बहुत ही जालीदार ढोकला हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ढोकला हमारा बिल्कुल स्पॉन्जी तैयार हुआ है। तो इसे मैं कट कर लूँगी पीसेज में इस तरीके से।
जिस बर्तन में आप ढोकले को स्टीम कर रहे हैं उसमें आपको एक से दो ग्लास पानी डालने के बाद स्टैंड रखना है, उसके बाद ही इसे अच्छे तरीके से स्टीम करना है। तो ये देखिए मैंने इसे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस पर रख दिया एक पैन और डाल दिया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, और उसमें मैंने डाल दिया है करी पत्ता और सरसों के दाने डाल करके इसे क्रैक होने देते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसको, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में से हमें मिक्स करते हुए चलाते रहना। तो ये अच्छे तरीके से क्रैक हो चुका है। मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, अपने अकॉर्डिंग डालें, बिल्कुल हरी मिर्च को स्किप ना करें बट अपने अकॉर्डिंग आप इसे डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, हल्दी बिल्कुल चुटकी भर ही डालें, इससे ज़्यादा हल्दी डालने की आपको ज़रूरत नहीं। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है नमक, इससे ज़्यादा नमक ना डालें क्योंकि ढोकले में मैंने पहले से ही नमक डाला हुआ है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी शुगर, अगर आपके पास में शुगर पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे शुगर डाला है जो आराम से मेल्ट हो जाएगा पैन में। तो ये देखिए इसे मेल्ट होने देते हैं, इसके बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसमें पानी डालते हुए डालने के बाद में हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। तो मैंने इसमें नींबू का रस अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे गाढ़ा भी कर लिया है। तो मैंने इसे 5 मिनट तक यूँ ही पैन पे रहने दिया है और अच्छे तरीके से इसका सिरप तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे इस तरीके से ढोकले के ऊपर में डाल देते हैं ताकि जो इसका सिरप है वो अच्छे तरीके से ढोकले के अंदर चला जाए और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो मैं इसी तरीके से सारे सिरप को इसके ऊपर में डाल दूंगी, और जो इसका तड़का है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसे धनिया पत्ता के साथ मैंने गार्निश कर दिया है। तो ढोकला जो है हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर लिया है। तो बेसन का ढोकला आपने कई बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा, तो बिल्कुल रवा यानी कि सूजी से एक बार ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से तैयार भी हो जाएगी। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर इंजॉय करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन बाय बाय गाइज़।